नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिम में। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आजकल हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियोस भले ही छोटे हों, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, लेकिन अगर आप इनको ढंग से देखते हैं, इनको आप नोट डाउन करते हैं, इनको मेमोराइज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके ये एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि यहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फसलों में पाए जाने वाले फेट परसेंटेज के बारे में। दोस्तों यहां से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यहां पे कुछ न कुछ कंफ्यूजन लगा रहता है, क्योंकि हमसे फेट परसेंटेज पूछ ली जाती है अनाजीय फसलों के बारे में या दलहनी फसलों के बारे में। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है कि हमें कौन कौन सी फसलों में क्या क्या फेट परसेंटेज होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और वीडियो कमेंट सेक्शन में इसके फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि फसलों में पाए जाने वाले वसा की, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जौ में कितने फैट परसेंटेज पाए जाते हैं, बाजरे में कितने पाए जाते हैं, गेहूं में फैट कितनी पाई जाती है, तो इनके सीड की पूछा जाता है। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बाजरे में फैट परसेंटेज तो बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आज हम इसको क्लियर करेंगे। अगर हम बात करें कि जौ में कितने फैट परसेंटेज पाया जाता है, तो जौ में 1 से 1.5% फैट पाई जाती है। और मैंने ये वीडियो बनाने के पीछे एक ट्रिक रखी है कि आपको बढ़ते हुए क्रम में चलना है। जब भी हम पढ़ेंगे, भले हम फैट परसेंटेज पढ़ें, ऑयल परसेंटेज पढ़ें, प्रोटीन परसेंटेज, आपको घटते हुए से बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़े क्रम में आपको जाना है। तो अगर हम जौ की बात करें तो 1 से 1.5% फैट परसेंट यहां पाया जाता है। उसके बाद बात करें हम गेहूं की, तो गेहूं में 1.5 से 2% फैट पाई जाती है। और अगर चावल की बात करें तो 2 से 2.5% चावल के दाने में फैट या वसा पाई जाती है। उसके बाद बात करें ज्वार में कितनी फैट पाई जाती है, तो ज्वार में 3% और मक्का की फसल में 4% वसा पाई जाती है। और उसके बाद बात करें बाजरे की, तो बाजरे में 5% वसा पाई जाती है। और देखिएगा, आपने इसमें अंडरलाइन मिली है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। आपको ऑप्शन में 4 मिलेंगे, अनाजीय फसलें चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा फैट होती है। बाजरे में सर्वाधिक फैट पाई जाती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 5% फैट पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप ट्रिक, हालांकि मैं ट्रिक को तवज्जो देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रिक चाहते हैं और अगर ये ट्रिक आपके समझ में आती है और एग्जाम में हेल्पफुल रहे, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ा है। हम 6 फसलें पढ़ रहे हैं, BWRSMB, यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वहाँ से हम लेके शुरू हो रहे हैं इंग्लिश की। अगर हम बात करें बी से, तो हम बारले को, जो को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बारले कहते हैं, तो बारले में 1 से 1.5, और उसके बाद वीट, वीट में 1.5 से 2, उसके बाद आर यानी राइस, राइस में 2 से 2.5, यहाँ तक तो आधा आधा बढ़ाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, SMB यानी मैंने इसको डैश दे के अलग किया। उसके बाद में हमें 1-1% बढ़ाना है। S यानी सोरगम, सोरगम में 3%, उसके बाद मेज, मेज में 4%, और बी से बाजरा, बाजरे में आपका 5%। ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ट्रिक मैं कहूँगा। हालांकि ट्रिकें क्या होती है, आपके जो समझ में आ जाए वही ट्रिक है, कोशिश कीजिए कि आप इनको याद कर पाएँ। उसके बाद अगर अगली हम बात करें तो दलहनी फसलों में भी वसा पाई जाती है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मटर में कितने फैट पाई जाती है, ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, यूपी बोर्ड के एक एग्जाम में पूछा हुआ है। 1.8% मटर में वसा पाई जाती है। उसके बाद मूंग की बात करें तो 1.3% मूंग में भी वसा पाई जाती है। और अगर हम बात करें उड़द की, तो इसमें भी 1.8% वसा पाई जाती है। ये एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मटर और उड़द दोनों में 1.8% वसा पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें मूंग में, तो 1.3% वसा पाई जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो छोटा सा वीडियो है फसलों में वसा कितनी पाई जाती है, ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कहीं ना कहीं इनको नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि ये आवश्यक है आपके एग्जामिनेशन के लिए, सीधे से सीधे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की छोटे वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।